हेलो एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ ट्रैवलिंग मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। दिस टू दिस मैंने इसे किस तरह से अचीव किया है, चलिए देखते हैं। और आपका भी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ होगा, इस स्टेप को जरूर फॉलो कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम टोनर अप्लाई करेंगे। टोनर हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है, जिससे कि आपको स्वेटिंग होगी तो उसको थोड़ा कम कर देगा। देन हम अप्लाई करेंगे सीरम। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर ऑयली नहीं है तो आप इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये आपके स्किन को लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रोवाइड करता है और जो आप मेकअप करते हैं वो भी ग्लोई दिखता है। देन हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन क्योंकि धूप है तो धूप में अगर हम निकलेंगे तो हमारे फेस पे टैनिंग हो जाएगी ना, तो टैनिंग से भी तो हमें अपने फेस को बचाना है। और वैसे भी घर में भी आप सनस्क्रीन लगाया कीजिए, भले ही 30 SPF का लगाएं बट लगाया कीजिए। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि SPF 50 हो, वो सनस्क्रीन लगाएं। देन मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मेरे पास जो है वो प्राइमर नहीं है तो मैं क्या अप्लाई करूं। तो आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। बट मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक टिप बताऊंगी, जिससे कि आप एलोवेरा जेल लगा के भी अपने मेकअप को जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। देन मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी। जो भी मेरे डार्क एरियाज़ हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उनको मैं कंसीलर से हाइड करूंगी। आप चाहें तो करेक्शन भी कर सकते हैं, ऑरेंज कलर का पीच कलर अप्लाई करके, और उससे आप करेक्शन कर सकते हैं। सो इसे अप्लाई करने के बाद जस्ट ही मैं फाउंडेशन भी अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि आप ये सारे चीज़ एक साथ अगर कर लेते हैं ना तो आपका मेकअप जो है वो बहुत ही जल्दी विद इन 5 मिनट आप कंप्लीट कर लेते हैं अपने मेकअप को। तो मैंने फाउंडेशन अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। देन मैं जो मैंने जहाँ पे फाउंडेशन लिया था वहीं पे थोड़ा सा लिपस्टिक अप्लाई करूँगी और इसे एज अ ब्लश एंड एज अ आई शेडो अप्लाई कर लूँगी। इसी के साथ मैं कॉन्टोरिंग भी कर लूँगी। कॉन्टोरिंग क्या करता है, हमारे नेचुरल फीचर्स को इन्हांस करता है। जो हमारे नेचुरल फीचर्स हैं उनको डेफिनेशन देता है। जब आप लगाएंगे ना तो आपका फेस जो है वो बिल्कुल ही, जो भी आपका शेप है फेस का, वो बहुत ही अच्छे से नेचुरली दिखता है कि आपका कितना अच्छा फेस का शेप है, मतलब उसको डेफिनेशन देता है। सो इन सारे को मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जहाँ जहाँ आपने फाउंडेशन लगाया है पहले आप उसे ब्लेंड कर लें, देन जहाँ आपने कॉन्टोरिंग किया है वहाँ पे पहले ब्लेंड कर लें, देन आपका जो ब्लश है उसे ब्लेंड कर लें, एंड सी द मैजिक, ब्लेंड हो गया। सो अभी मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उससे मैं इस आई शेडो को ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए ना, आप अपने फिंगर टिप को लीजिए और बस आपको डैब डैब करना है, आपका जो ये आई शेडो है वो इजीली ब्लेंड हो जाएगा। देन हम लूज़ पाउडर लेकर के और अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि लूज़ पाउडर जो है वो हमारे मेकअप को सेट करता है। देन मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे ब्लू काजल अप्लाई कर रही हूँ और इसे ही अपने अपर लिड पे भी अप्लाई कर लूँगी एज अ आईलाइनर, और एक फ्लैट ब्रश लेकर के इसे स्मज कर दे रही हूँ, जो कि थोड़ा सा स्मोकी लुक लगेगा। मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। मैंने एकदम लाइट कलर लिया है और उसी से मैं फिल कर रही हूँ, क्योंकि डार्क कलर से वो नेचुरल नहीं लगता है, बिल्कुल फेक लगता है आपका आईब्रो। सो नेचुरली ही आपको जो आपके लाइंस है बस उसी को फिल करना है, एक्स्ट्रा आपको इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। तो अभी मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक, जिसके लिए मैंने एक लिप कैरी ऑन लिया है और उसके साथ एक बुलेट लिपस्टिक लिया है। तो पहले मैं लिप कैरी ऑन को अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये आपके लिप पे बहुत अच्छा पिगमेंट देता है और आपका जो लिप्स का कलर होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो पहले मैं इसे अप्लाई कर लूँगी, देन मैं बुलेट लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। आप सिर्फ इसे भी अप्लाई करके छोड़ सकते हैं, आपका नेचुरली लिप्स बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम बुलेट लिपस्टिक लगाते हैं तो वो जो है वो हमारे हैंड में या फिर कहीं भी उसका पिगमेंट जो है वो लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कोई सा भी पाउडर लेना है, ट्रांसलूसेंट पाउडर या कोई भी, और आपको टिश्यू पेपर लेना है, और उसको आपको क्या करना है कि बस आपको इस तरह से कोई सा भी ब्रश लेके डैब कर देना है। ब्रश नहीं है तो आप अपने फिंगर से भी इस तरह से डैब कर सकते हैं टिश्यू पेपर लेके, और लीजिए आपका लिपस्टिक बन गया लॉन्ग लास्टिंग। देन मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, वाटरप्रूफ मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, आप भी वाटरप्रूफ ही अप्लाई कीजिएगा। और फाइनली मैं अपने पूरे मेकअप को जो है वो मेकअप फिक्सर से सेट कर लूँगी। और हमने स्टार्टिंग में प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल लगाया था, तो ये मेकअप फिक्सर ही हमारे मेकअप को जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। चलिए देखते हैं हम अपना फाइनल मेकअप लुक, स्वेट प्रूफ वाटरप्रूफ ट्रैवलिंग मेकअप लुक।
सो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ग्लोई लग रहा है, बट इसे अब हमें टेस्ट करके भी देखना है कि क्या ये सही में वाटरप्रूफ है भी या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, एक बॉटल ले लेते हैं, स्प्रे बॉटल जिसमें वाटर है, और इसे अपने फेस पे इस तरह से स्प्रे करते हैं। सो मैंने पूरे फेस पे स्प्रे किया है और इसे अब मैं एक टॉवल से पोछूंगी, अच्छे से डैब डैब करके हटाऊंगी, क्योंकि रगड़ेंगे जब हम अपने मेकअप को तो ऑफ कोर्स है कि ख़राबी होगा, बट मैं डैब डैब करके इसे रिमूव करूंगी। और आप देख सकते हैं इस टॉवल को बिल्कुल भी इसमें मेकअप का प्रोडक्ट जो है वो नहीं आया है। तो मेकअप तो मेरा बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुआ है, बल्कि और ज़्यादा मेरे फेस पे ग्लो आ गया है। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।